नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनकी PFMS पर शो हो रही है स्कॉलरशिप। किसी की 15 दिन से, किसी की 20 दिन से, किसी की 22 दिन से, किसी की 25 दिन से, तो उसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि उनकी स्कॉलरशिप वो वाली खाते में आएगी कि नहीं आएगी। और कुछ लोगों का बताऊँ कि उनकी दो किस्तों में जो थी फीस वापसी और स्कॉलरशिप, तो एक किस्त तो आ गई है, किसी किसी की फ़ीस वापसी आ गई है खाते में और किसी किसी की स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन दूसरी वाली नहीं आई है अभी तक अकाउंट में, जबकि PFMS पर दोनों साथ में ही शो हुई थी। तो इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं, लगातार हमको कमेंट आ रहे थे हर वीडियो पर, तो इसी के बारे पर आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अंडर प्रोसेसिंग जिनका दिखा रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आ सकता है, क्या क्या हो सकता है इस मामले में, इसका उपचार क्या है, कि मतलब इसको क्या करें कि आ जाए, तो ये सब सब चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पर बना रहना है अंत तक हमारे साथ, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये PFMS का स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ये देखिए, एक पार्ट में एक बार में स्क्रीनशॉट लेने में पूरा नहीं आ पाता है, PFMS पे काफ़ी लंबा होता है वो, तो दो बार में स्क्रीनशॉट लिया है, पहले आगे का और इसके बाद जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा वो पीछे का होगा। तो देखिए इसको जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका काम मेन ये है कि आप देख लीजिए, मेरा नाम देख लीजिए, ठीक है, और ये बैंक का नाम देख लीजिए, और जो सबसे मुख्य बात है कि आप मेरे अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए, देखिए लास्ट में 5757 है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए दूसरा जो स्क्रीनशॉट है मैं वो आपको दिखाता हूँ, देखिए तो ये जो सबसे ऊपर था 30,000, ये है, ये मेरी इस वर्ष की फीस वापसी है जो कि मेरे अकाउंट में 4 फरवरी को आ चुकी है, ठीक है, और उसी दिन ये 6360 मेरा स्कॉलरशिप है जो उसी दिन शो हुआ था, दोनों जो ये शो हुई थी स्कॉलरशिप और फीस वापसी, ये मेरे PFMS पर 28 जनवरी को शो हुई थी, ठीक है, लेकिन खाते में जो है ये फीस वापसी देखिए 30,000, ये तो 4 तारीख को आ गई थी, लेकिन ये अभी भी अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS है, ठीक है। आज की डेट क्या है, आज की डेट है 19 फरवरी, तो देखिए यहाँ पर ये अंडर प्रोसेसिंग CBS दिखा रहा है, लेकिन अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके 10 मिनट पहले मुझको मैसेज आया बैंक की तरफ से कि ये अमाउंट जो है 6360 की मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। तो अब आप समझ लीजिए कि 28 को शो हुई थी और 30,000 और 6,360 दोनों, तो ये तो आ गई थी 4 फरवरी को 30,000। अब आप दिन जोड़िए, अगर वहाँ से जोड़ा जाए तो देखिए टोटल 23 दिन हो गए PFMS पर शो हुए, ठीक है, ये तो 8 दिन में आ गई थी खाते में 30,000 ये, और ये जो आई है 6360 इसको 23 दिन हो गए, 23वें दिन ये खाते में आई है। चलिए मैं वो मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ बैंक की तरफ से जो आया है, नहीं तो कुछ लोग कहने लगेंगे कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये टुडे अभी 12:26 पर ये आया था, और टाइम क्या हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12:48 आप ऊपर यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मैसेज आया है कि PFMS जनरेटेड पेमेंट DBT आप RS 6360 क्रेडिटर टू योर अकाउंट, और देखिए बैंक नंबर, बैंक अकाउंट आप चेक कर लीजिए जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ कि लास्ट में 5757, ये देखिए यहाँ भी लास्ट में 705757 है, और डेट देख लीजिए आप ये 19/2/2019 को। तो देखिए मैंने हर वीडियो में आपसे यही बताया था कि जो PFMS पर शो हो रही है प्रोसेसिंग में वो हर हालत में आपके अकाउंट में आएगी, भले उसमें समय, मैं कह रहा हूँ महीने भर से ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन उसको लेकर आपको कभी चिंतित नहीं होना है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। जो अकाउंट में आपके दिख रहा है PFMS पर वो हर हालत में आपके अकाउंट में आए। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दे दी कि देखिए मेरी खुद जो है 23 दिन में आई है स्कॉलरशिप, फीस वापसी तो 8 दिन में आ गई थी, तो आप लोग परेशान ना होइए, अगर आपका दिखा रहा है PFMS पर तो वो आएगा ज़रूर, भले ही चाहे दो किस्तों में होगा तो एक पहले आ जाती है, एक में समय लग सकता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं
कि बीच में ये PFMS पर मेरा 2 बार 6,360 दिखाने लगा था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फिर से अपडेट हुई जब साइट, तो एक बार ही 6,360 दिखाने लगा और ये एक हट गया था। उसके बाद ये आज स्कॉलरशिप मेरे खाते में आ गई है 19 फरवरी को। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली।